नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा चैनल काफ़ी पसंद आएगा। इस चैनल में मैं आपको बताऊँगी बहुत सारी छोटी छोटी उपयोगी टिप्स और कुछ डिलीशियस रेसिपीज। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम चटपटी बेसन भिंडी बनाने वाले हैं। आइए देखते हैं हमें उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। एक छोटा चम्मच राई, जीरा एक छोटा चम्मच, धनिया और सौंफ पीसी हुई छोटा चम्मच, एक पिंच हींग, एक मीडियम चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी, एक मीडियम साइज़ की चम्मच में हम लेंगे गरम मसाला, एक बड़ा चम्मच अमचूर पाउडर, एक बड़ा चम्मच शक्कर, दो चम्मच बेसन। ये मैंने भून के सेक के तैयार कर लिया है। आपको इसे तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से खुशबू ना आने लगे। दो चम्मच आपको मूंगफली के दाने लेना है जिसे मैंने पूरी तरह से सेक के ग्राइंड कर लिया है। अनुसार तेल, कटी हुई भिंडी, एट लास्ट गार्निश करने के लिए धनिया। हमने सबसे पहले पैन को प्रीहीट करने के लिए रख दिया है। इसमें हम आवश्यकता अनुसार अंदाजन दो चम्मच हम तेल डालेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म होने दें, फिर इसमें हम डालेंगे राई, जीरा, फिर हींग, इसे अच्छी तरह से मैश करते हैं। अब हम डालेंगे इसमें भिंडी। भिंडी को हमें बिना ढके पकाना है ताकि वो कुरकुरी हो जाए। इसमें हम आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा नमक डालेंगे, उसे कुछ देर तक खुली आंच पर पकने देंगे। इसे हम लोगों को कम से कम 7 से 10 मिनट तक पकने देना है। इसके बाद आप देखेंगे कि भिंडी थोड़ी सी कुरकुरी होने लगी है। अब आप इसमें एक एक करके सारे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, बेसन, मूंगफली के दाने, थोड़ी सी शक्कर, आवश्यकतानुसार नमक। आप देख सकते हैं कि मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो रहा है। पकने देना है। हम लोग की सब्जी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे एक अलग से बाउल में निकाल कर गार्निश करेंगे। हम लोग की सब्जी रेडी है। इसे आप भरवा भिंडी की जगह बना सकते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान है और इसे आप कोई भी कभी भी कहीं भी बना सकता है।